तो दोस्तों, आपने कई एड्स में और कई गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐप्स ऐसे आते हैं, यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देखते हो उसमें एड्स वगैरह आते हैं कि आपको 5 मिनट में लोन मिल जाएगा, या आपके पास कोई कॉल वगैरह आती होगी कि आपको 5 मिनट में लोन मिल जाएगा, आप ये ऐप डाउनलोड करो। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे जो ऐप्स कंपनियाँ हैं, इंस्टेंट लोन वाली कंपनियाँ, वो कैसे आपको स्कैम करती हैं, कैसे आपके साथ फ्रॉड करती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई ऐप आपको ये बोलती है, या कोई भी कंपनी या ऐप्स जो है, या आपको कोई ऑनलाइन कॉल आती है, तो वो ऐसे बोलती है कि आपको 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा, तो लगभग इसमें 50% झूठ होता है। वो ऐप्स जो होती हैं वो आपके साथ स्कैम करने के लिए ही आपको ये बोलती हैं कि 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो, कोई भी अगर फेक ऐप है उसको डाउनलोड करते ही आपसे वो परमिशन मांगेगा, और जब वो परमिशन को आप नो करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, आपको परमिशन एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी उनकी। परमिशन एक्सेप्ट करते ही आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आपके मोबाइल नंबर आपने सेव किए हुए हैं, और आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह हैं फ़ोन में, या आपकी वो चैट की हुई है व्हाट्सएप पे, तो वो क्या है, वो डाटा चुरा लेती हैं। तो इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपको लोन लेना है तो आपको सीधे बैंक में जाना चाहिए, और अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में भी पड़ते हो तो आजकल एजेंट बहुत ही फ्रॉड एजेंट घूम रहे हैं बाजार में, जो आपको झांसा देंगे, हम इतने का लोन दिला देंगे, हम इतने का लोन दिला देंगे, वो आपका जो भी आईडीज वगैरह वो लेते हैं, और उसके बाद में उसका क्या पता कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या पता उसका लोन लेके आपको पता ही ना हो, और वो लोन भी उठा सकते हैं। एजेंट क्या करते हैं, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है उनके पास, तो वो एक साथ 7-8 बैंकों में एक साथ अप्लाई करते हैं वो। तो अगर आपको लोन नहीं भी मिला ना, तो ज़्यादा बैंकों में अप्लाई करने की वजह से आपका जो सिविल है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इन ऐप्स और एजेंट्स के साथ डील कर रहे हो आप, या इनको डाउनलोड कर रहे हो, एजेंट के साथ डील कर रहे हो, तो इन चीज़ों से आप बहुत ही सावधानी से आपको बरतना चाहिए, सब कुछ अच्छी तरह से जान के, और अगर कोई RBI से वेरीफाई ऐप है उससे ही आप डाउनलोड करो, और उससे ही अगर आपको लोन लेना है, और अगर पहली बात अगर लोन लेना तो आपको बैंक में जाकर ही लोन लेना चाहिए, इन ऐप्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।